नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। कल सीएम हाउस का घेराव करेगा राजस्थान उच्च शिक्षक संघ। जावाल के आबादी क्षेत्र में आए कोबरा को किया रेस्क्यू। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ पीटीएम बैठक का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उर्दू शिक्षक और मदरसा पैरा टीचर कल यानी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 7 जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उर्दू शिक्षक मदरसा टीचर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। उर्दू शिक्षक और मदरसा पैरा टीचर सरकारी स्कूलों से उर्दू की तालीम बंद करने, मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 18 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ, राजस्थान मदरसा शिक्षक सहयोगी संघ के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उर्दू शिक्षक मदरसा टीचर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने बताया कि उर्दू और मदरसा तालीम से जुड़ी मांगों को ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को देकर तत्काल निर्णय करने की मांग की जाएगी। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां NH-11 स्थित मीनाक्षी पेट्रोलियम में इनामी पुलिस के तहत आज रविवार को लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम सौंपे गए। इसको लेकर मीनाक्षी पेट्रोलियम की ओर से आज इनाम घोषणा व वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ में पहला इनाम बजाज मोटरसाइकिल होपर रेडी गांव के अमीन खान को मिला। इसके अलावा इनाम में 21 हेलमेट, 31 पानी बोतल व 51 दीवार घड़ी लेकर विजेताओं को सौंपे गए। कार्यक्रम के अंत में आयोजक विजय शर्मा ने बताया कि आगामी 26 जनवरी से 15 अप्रैल तक यह स्कीम पुनः लागू रहेगी। जावल ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोल रोड पर निजी विद्यालय के पास में सर्प आने की संचालक मुकेश सुधार ने सर्प प्रेमी नटवर सिंह को सूचना दी। सर्प मित्र अपने टीम साथी वचना राम के साथ मौके पर पहुंचकर कोबरा को रेस्क्यू किया गया। सर्प मित्र नटवर सिंह ने बताया कि सर्दियों में सर्प प्रजाति कम ही दिखाई देती है, यदा कदा भोजन की तलाश में या धूप सेवन के लिए ही दिखती हैं। वह मौजूद संस्था के कर्मचारियों और ग्रामीणों को भारतीय नाग के बारे में जानकारी देते हुए नटवर सिंह ने बताया कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन विष होता है, भारत का सबसे दूसरा जहरीला सांप होता है। कभी भी किसी को सांप काटे तो उसे नजदीकी अस्पताल ही ले जाए, जैसे एंटी वेनम का इंजेक्शन से ही जान बच जाती है, सबको कोई मारे नहीं। खबर चुरू के सरदार शहर से, जहां वार्ड नंबर 51 30 साल से कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर रखा है। फारूक कुरैशी ने बताया नया वार्ड 51 में 30 सालों से कब्जा कर रखा है। फारूक ने बताया कि कांग्रेस के टिकट मांगने नहीं गए, हमारे को कांग्रेस टिकट की आवश्यकता नहीं है, हम निर्दलीय प्रत्याशी तालिब कुरैशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, हम जीत जान करके तालिब कुरैशी चुनाव जिताएंगे। जो वार्ड में विकास का कार्य पिछले कांग्रेसी पार्षद 5 वर्षों से जो काम नहीं किया है, वह वार्ड में विकास कार्य हम करके दिखाएंगे, घर घर जाकर जनसंपर्क में वोट की अपील करेंगे। वार्ड नंबर 51 एक ऐसा वार्ड है जो 30 साल से जो कांग्रेस के नाम से, और वार्ड नंबर 51 की जनता से ये लोग वोट लेके आ रहे हैं, और वार्ड नंबर 51 का कोई विकास नहीं हुआ, और ये वार्ड एक ऐसा वार्ड बन गया पार्षद होते ही एक लावारिस वार्ड बन गया। वार्ड की जनता ये बोलती है कि भी हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, और वार्ड ये भी चाहती है कि हमको बदलाव चाहिए। हमने बदलाव के लिए, और हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने के लिए गए नहीं, और हमको टिकट चाहिए भी नहीं। और जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव जीतना चाहता है, उसके सामने टिकट की कोई अहमियत नहीं रखी। तो हम ये चाहते हैं बदलाव, और बदलाव होगा, और हमने मिल भी है तालिब टाई वाला को खड़ा किया है। वार्ड की जनता हमारे साथ में है, और छत्तीस कौम हमारे साथ में है, और हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे, और इस वार्ड का विकास भी करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे, और ये 30 साल से जो पुराना एक खूंटा है, उस खूंटे को हम उखाड़ के फेंकेंगे, और जनता की सेवाएं करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारे साथ है।
खबर भादरा से, जहां जगासरी बड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पीटीएम की बैठक प्रधानाचार्य हवा सिंह की अध्यक्ष में हुई, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ, पीईओ छतर के माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान हरिराम नीण, कक्षा 9 से 12 के बच्चों के अभिभावक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य हवा सिंह कहा कि 18 जनवरी 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ करने आवश्यक निर्देश, कोविड-19 की पालना, विद्यार्थियों विद्यालय में मास्क सैनिटाइजर होकर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। अध्याय संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिगासरी बड़ी में पीटीएम की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से अनेक अभिभावक पहुँचे हैं और पीओ क्षेत्र के संस्था प्रधान भी यहाँ आए हैं। और उसमें हमने जो पालना जो की गई है, जो निर्देश जो दिए गए हैं कि 18 जनवरी 2021 से जो पुनः या कहें या नए सत्र से जो कहें कि नया सत्र जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इस हेतु जो है वो आवश्यक निर्देश दिए गए थे। जैसे बालक जो कक्षा में आएँ तो वो मास्क लगा करके ही आएँ, सैनिटाइजर होकर के ही आएँ, और इस हेतु हमने आवश्यक व्यवस्थाएं भी यहाँ कर ली हैं। पानी की टंकी हाथ धोने के लिए स्पेशल तैयार करवाई गई है, साबुन की व्यवस्था कर ली है, सैनिटाइजर भी मंगवा लिए हैं, मास्क व्यवस्था भी करवा ली है, और बैठक व्यवस्था को भी हमने सुचारू रूप से संपन्न कर लिया है कि उसमें जो 50% जो बालक बैठने हैं, यानी एक कक्षा के दो खंड किए गए हैं कि आधे बालक जो है वो एक कक्षा में, आधे जो है वो एक कक्षा में बैठेंगे, इसलिए भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। अनेक प्रकार से व्यवस्था करके इस बैठक का आयोजन किया गया था। अनेक राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसकी पालना सुनिश्चित हो, उस सुनिश्चित के बाबत जो है वो स्टाफ साथियों के साथ में और ग्रामीण लोगों के साथ में आपकी उपस्थिति में जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें मैं सारे सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से हम शिक्षण व्यवस्था जो है वो कोविड-19 की पालना करवाते हुए करवाएंगे। इस हेतु जो स्टाफ साथियों का योगदान भी मुझे मिला है, आदरणीय महाराज जी का भी जो सहयोग मिला है, अनेक जो SMC अध्यक्ष जो अर्जुन राम जी हैं वो भी आए हैं, तो उन्होंने भी इस बाबत जो है वो अपने विचार रखे हैं, उनकी भी मैं यहाँ स्वागत करता था कर रहा हूँ। और अच्छा लगा सबसे मिलकर के भी, इस विद्यालय में भी मेरा जो है वो प्रथम बैठक रही है, तो मिलकर के भी अच्छा लगा है। और हम राज्य सरकार के निर्देश की पालना करते हुए, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालना करते हुए, राज्य सरकार के द्वारा जो पुनः जो खोले जा रहे हैं इसकी पालना करते हुए हम अच्छे से अध्ययन करवाएंगे, इस बात के लिए मैं सभी अभिभावकों को सुनिश्चित। खबर डीडवाना से, जहां ग्राम पंचायत कोलिया रविवार को देशभक्त मई रहा, क्योंकि रविवार को कोलिया में शहीद दिनेश सैनी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र सिंह चौधरी थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडवाना विधायक चेतन डूडी कर रहे थे। इस दौरान मुख्य अतिथि महेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि देश के लिए प्राणों की न्यौछावर देने वाले हमारे मातृभूमि के पूत मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं, क्योंकि इनकी सादत को कभी भूला नहीं जा सकता। जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में कीटनाशक केमिकल के गोदाम में रविवार दोपहर को भीषण आग लग गई। तेज लपटों के साथ उठा काला धुआं आसपास के इलाकों में छा गया। इससे आसपास की फैक्ट्री व गोदामों में मौजूद कर्मचारी निकलकर बाहर आ गए। वहीं सूचना मिलने पर झोटवाड़ा VK फायर स्टेशन से रवाना हुई। चार दमकलें मौके पर पहुंचे, करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इस बीच गोदाम में रखे लाखों रुपए की कीटनाशक केमिकल जलकर राख हो गई। फायर कर्मचारी समीर ने बताया कि दोपहर के समय कीटनाशक के केमिकल गोदाम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद कीटनाशक के 10 ड्रम आग से फट गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगना माना जा रहा है। और अब खबर अलवर के बांसुर से, जहां रोटी बैंक द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वास्थ्य वाले हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, वहीं इसी के साथ भजनों का आनंद लिया। रोटी बैंक संचालक RC यादव ने बताया कि बांसुर रोटी बैंक के सहयोग से गरीब व असहाय लोगों को भोजन व कपड़े निःशुल्क दिए जाते हैं। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए जुड़े